अस्सलाम वालेकुम, आई एम सरफहत फ्राम द ईडन किड्स कैंपस एंड गर्ल्स कॉलेज। आज हम नोट्स से यूनिट नंबर 1 द सिस्टम यूनिट्स उसके आंसर क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हार्डवेयर? हार्डवेयर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इक्विपमेंट डैट मेक्स अप अ कंप्यूटर, एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, मोनीटर। हार्डवेयर असल में आपका, आपकी जो मशीनरी आलात, कुछ ऐसे मशीनरी आलात जो कि बिजली से चलते हैं और जब ये आपस में मिलते हैं तो ये आपका एक कंप्यूटर जो है वो बनाते हैं, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस, मॉनिटर। तो ये सारी चीज़ें जब आपस में मिलती हैं, मतलब जब इनका कनेक्शन होता है, तो ये सारी चीज़ें मिल के आपका एक कंप्यूटर जो है वो वजूद में लाती हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज़ द सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस डैट्स टेल्स द हार्डवेयर हाउ टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। सॉफ्टवेयर असल में आपकी कुछ ऐसी हदायत होती हैं जो कि कंप्यूटर को बताती हैं कि किस तरह आपने डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपका MS ऑफिस हो गया, फोटोशॉप हो गया, ऑफिस रिलेटेड जो इतना भी काम होता है वो आप किस में करते हैं? MS ऑफिस में। तो MS ऑफिस क्या है? आपका एक सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप भी एक सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच मेमोरी इज़ नोन एज शॉर्ट टर्म मेमोरी? तो जो आपकी RAM है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो क्या कहलाती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन मशीन साइकिल। फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन द कंट्रोल यूनिट्स रिपीट अ सेट ऑफ 4 बेसिक ऑपरेशंस कॉल्ड द मशीन साइकिल, फेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड स्टोरिंग। ये 4 स्टेजेस होती हैं मशीन साइकिल की, फेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड स्टोरिंग। आपका कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल, आपने अपने कीबोर्ड से 2+5 जो है वो राइट किया, तो पहला काम जो होगा मशीन साइकिल का कंप्यूटर के अंदर, वो उसको क्या करेगा? फेच करेगा कंप्यूटर, यानी 2+5 को कंप्यूटर फेच करेगा CPU के अंदर। अब नेक्स्ट क्या करेगा? उसको 2+5 को अपनी लैंग्वेज में क्या करेगा? डिकोड करेगा, कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट उसके ऊपर जो फंक्शन परफॉर्म करना है वो क्या होगा? एग्जीक्यूटिंग। फॉर एग्जांपल, 2+5 है तो इसमें आप क्या करेंगे? 2 नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे, तो एडिशन का फंक्शन जो है परफॉर्म करेंगे। तो एग्जीक्यूटिंग में क्या होगा? 2+5 को ऐड कर देगा और नेक्स्ट जो उसका रिजल्ट होगा वो फिर उसको क्या कर देगा? स्टोर। 2+5 = 7, 7 को क्या कर देगा? उसमें CPU में स्टोर कर देगा और रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ बाइट? बाइट असल में आपकी 8 बिट्स हों, 0101, ऐसे 8 बिट्स होंगी तो फिर आपका क्या बनेगा? एक बाइट बनेगा। तो बाइट असल में कहता है, इट इज़ अ बेसिक स्टोरेज यूनिट इन मेमोरी। ये आपकी मेमोरी में एक बेसिक जो है वो स्टोरेज यूनिट है, यानी इसमें क्या स्टोर होता है? डाटा जो है बाइट्स में स्टोर होता है। मेमोरी साइज इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ बाइट्स अवेलेबल फॉर यूज़। 8 bits = 1 byte। वही बात जो पहले की है कि 8 बिट्स में कितनी होंगी? 1 बाइट होगी। और जो आपका मेमोरी का साइज़ होगा वो किस में मेजर होगा? बाइट्स में। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ प्लग एंड प्ले? प्लग एंड प्ले इज़ कैपेबिलिटी विद विच द कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कैन कन्फिगर एक्सपेंशन कार्ड्स एंड अदर डिवाइसिस एज वी इंस्टॉल देम। तो प्लग एंड प्ले, इसकी बेस्ट एग्जांपल आपकी USB है और अब इसके अलावा आपके एक्सपेंशन कार्ड्स हैं, आपके मेमोरी कार्ड्स वगैरह हो सकते हैं, कार्ड रीडर के ज़रिए से जिनको आप कंप्यूटर में जब प्लग करते हैं तो वो पहले इंस्टॉल होते हैं और उसके बाद फौरन वो क्या हो जाते हैं? प्ले हो जाते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल इसकी क्या हो सकती है? USB को जैसे ही आप प्लग करते हैं तो वो थोड़ी देर बाद इंस्टॉल होने के बाद वो प्ले हो जाती है, उसमें जितना भी डाटा होता है फिर आप उसको जो है ना व्यू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू नो अबाउट इंटरनल हार्डवेयर? द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स डेट आर इनसाइड्स द सिस्टम यूनिट नोन एज अ इंटरनल हार्डवेयर। इसकी एग्जांपल्स हैं मेमोरी, मॉड्यूल, कार्ड्स, पोर्ट्स, कनेक्टर, मदरबोर्ड एंड प्रोसेसर। यानी ये ऐसे सारे आलात, ऐसे सारे मशीनरी आलात जो आपके कंप्यूटर के अंदर, यानी सिस्टम यूनिट के अंदर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इंटरनल हार्डवेयर। जैसे कीबोर्ड, माउस वगैरह, ये तो कंप्यूटर के बाहर होते हैं,
लेकिन इसके अलावा जो कंप्यूटर के अंदर सिस्टम यूनिट के अंदर जो लगे होते हैं, आपकी मेमोरी लगी होती है, आपके कार्ड्स लगे होते हैं, पोर्ट्स होती हैं, कनेक्टर होते हैं, पोर्ट्स जो कंप्यूटर के वो जिससे पीछे वाली साइड से आप या फिर USB कनेक्ट करते हैं वो पोर्ट्स वगैरह होती हैं, कनेक्टर्स, मदरबोर्ड आपका जो होता है वो भी सिस्टम यूनिट के अंदर होता है। नेक्स्ट आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ अ कंट्रोल यूनिट। CPU के अंदर जो आपका कंट्रोल यूनिट होता है उसका काम क्या है? द कंट्रोल यूनिट ट्रैक्स एंड कोऑर्डिनेट्स मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस इन द कंप्यूटर। फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन द कंट्रोल यूनिट रिपीट्स अ सेट ऑफ 4 बेसिक ऑपरेशंस कॉल्ड द मशीन साइकिल, फेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग, स्टोरिंग। ये 4 ऑपरेशंस क्या कहलाते हैं? मशीन साइकिल्स के ऑपरेशंस हैं। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कंट्रोल यूनिट्स का काम क्या होता है? ये जितने भी आपकी इंस्ट्रक्शन होती हैं उनको ट्रैक करता है और उनको कोऑर्डिनेट करता है, उनका आपस में रबत पैदा करता है। जितने भी आपके ऑपरेशंस या इंस्ट्रक्शंस होती हैं और हर इंस्ट्रक्शंस के मतलब हर इंस्ट्रक्शन के बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है उसके लिए वो लूप चलाता है। 4 बेसिक ऑपरेशंस का लूप चलाता है, यानी हर इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले वो फेच करता है, उसके बाद वो डिकोड करता है यानी कन्वर्ट करता है उस इंस्ट्रक्शन को, फिर एग्जीक्यूट करता है और फिर स्टोर कराता है। तो बेसिक जो काम होता है वो मशीन साइकिल का ये 4 बेसिक ऑपरेशंस के ज़रिए से होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ALU का क्या फंक्शन है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है परफॉर्म्स द एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ द मशीन साइकिल। आपकी मशीन साइकिल के अंदर जो 4 पार्ट्स हैं, 4 उसके बेसिक ऑपरेशंस थे, फेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड स्टोरिंग। उसमें से जो एग्जीक्यूशन वाला जो पार्ट है, एग्जीक्यूटिंग वाला पार्ट है, वो कौन परफॉर्म करता है? ALU। स्पेसिफिकली द ALU कैरीज आउट 3 ऑपरेशंस। अब ALU के पास भी 3 ऑपरेशंस हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म। अब ये कौन कौन से हैं? विच इंक्लूड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। कंपैरिजन ऑपरेशन कंपेयर डाटा आइटम्स टू डिटरमाइन इफ द फर्स्ट आइटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर लेस देन द अदर आइटम्स। जो सेकंड आपका कंपैरिजन ऑपरेटर है उसका काम क्या होता है? वो उसने ये डिसाइड करना होता है कि कौन से आइटम या फिर कौन सा नंबर किस नंबर से बड़ा है, छोटा है या इक्वल है। ये काम किसका होता है? कंपैरिजन ऑपरेटर का। लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये वाले जो होते हैं क्या होते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। और जो थर्ड वाला है लॉजिकल ऑपरेशंस, वो किसके साथ काम करता है? विद कंडीशंस, इसमें आप शराइत रखते हैं। एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेशन इसमें होते हैं? एंड गेट, आर और नॉट गेट। ये 3 किस्म के बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू नो अबाउट द एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड एक्सपेंशन कार्ड्स। An expansion slot is an opening or socket where we can insert a circuit board into the motherboard. Actually, expansion slot आपकी एक ऐसा socket या फिर opening place होती है जिसके अंदर आप क्या insert करते हैं? Circuit board insert करते हैं, यानी add करते हैं। और इन्हीं circuit boards को क्या कहते हैं? Expansion cards या फिर cards के नाम से जाना जाता है। 4 types हैं इसकी, 4 types of expansion cards found in the most computer, यानी मदरबोर्ड के अंदर जो आप एक्सपेंशन कार्ड जो इंसर्ट करते हैं एक्सपेंशन स्लॉट्स के अंदर, वो एक नंबर 1 वीडियो कार्ड हो गया। अपनी वीडियो की रेजोल्यूशन बेहतर बनाने के लिए आप उसमें क्या इंसर्ट करते हैं? वीडियो कार्ड। या आपको बाजार से आसानी मिल जाता है कंप्यूटर वाली शॉप से। इसके अलावा साउंड कार्ड भी आप ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अपने नेटवर्क की परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए या नेटवर्क की एक्सेसिबिलिटी के लिए, एंड मॉडम कार्ड। ये 4 किस्म के जो कार्ड्स हैं मोस्टली यूज़ होते हैं कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड में इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू नो अबाउट मदरबोर्ड। द मदरबोर्ड इज़ अ सर्किट बोर्ड दैट होल्ड्स द मेन इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर टुगेदर। ये एक आपका ऐसा सर्किट बोर्ड है जिसके अंदर आपके सारे कंप्यूटर के जो इंटरनल जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे इस मदरबोर्ड के ऊपर लगे होते हैं। मदरबोर्ड इज़ प्लेस्ड वर्टिकली विच इज़ क्वाइट कॉमन। वन साइड ऑफ मदरबोर्ड इज़ एक्सेसिबल फ्रॉम द बैक ऑफ द कंप्यूटर केस।
आपकी मदरबोर्ड के जो स्लॉट्स वगैरह होती हैं वो कुछ जो है कनेक्टर्स लगाने के लिए पिछली साइड से आपको नज़र आती हैं, वो पिछली साइड से कंप्यूटर की जो केसिंग होती है बाहर उसके बाहर पिछली साइड से बाहर की तरफ निकली होती हैं। दिस इंक्लूड वेरियस कनेक्टर्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जहाँ पे आप अपना कीबोर्ड, माउस, यूएसबी वगैरह और वो स्पीकर्स लगाने के लिए इस तरह की जो सारे कनेक्टर्स हैं वो आप जो मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो वहाँ पे लगाते हैं कंप्यूटर की पिछली साइड पे। एज़ वेल एज एक्सपेंशन स्लॉट्स फॉर एडिशनल पेरीफ्रल्स, इसके अलावा भी कुछ ऐसे पेरीफ्रल्स होते हैं जो आप उसके साथ लगाते हैं, जिनका बाज़ का तो आपको प्रोजेक्टर लगाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो एडिशनल पेरीफ्रल्स के लिए भी एक्सपेंशन स्लॉट्स जो है वो मदरबोर्ड के अंदर लगी होती हैं एक्स्ट्रा। अच्छा, तो मेन मदरबोर्ड में जो मेन चीज़ लगी होती है वो क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो भी आपका किस में लगा होता है, मदरबोर्ड के अंदर, जिसको आप कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड ईच क्वेश्चन केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, माउस, मॉनिटर और वेब कम जो हैं ये आपके क्या हैं, हार्डवेयर हैं, जबकि फोटोशॉप आपका क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, तो ये आपका हार्डवेयर नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर, सो कीबोर्ड जो है वो आपका एक हार्डवेयर है, सो ये आपका एक ये सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी तीनों आपके क्या हैं, सॉफ्टवेयर हैं। तो एक किलो बाइट ऑफ मेमोरी किसके इक्वल होती है, ये 1024 बाइट्स के इक्वल होती है, 1024 बाइट्स मिले तो 1 KB बनता है, इसी तरह 1024 KB मिले तो 1 MB बनता है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी आर देयर, तो 2 टाइप्स हैं कंप्यूटर मेमोरी की। अनदर नेम ऑफ प्रोसेसर क्या है आपका, CPU। रैम क्या है, एक वोलेटाइल मेमोरी है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, कम्युनिकेशन के लिए, रबते के लिए। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन कार्ड और फॉन्ट, अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा इसकी 4 टाइप्स होती हैं। विच मेमोरी डू वी नीड टू स्टार्ट कंप्यूटर, तो रैम इस्तेमाल करते हैं आप कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए। और कौन सा एक्सपेंशन कार्ड जो है वो टेलीफोन लाइन के लिए इस्तेमाल होता है, मॉडम, मॉडम जो है वो टेलीफोन लाइन के लिए इस्तेमाल होता है।